नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ एम एस परदेसी। जी हाँ, नहाय खाए के बाद पहला सूर्य को अर्घ देने आज छठ माता को सभी श्रद्धालु गांव देहात में, कोई पोखर के नीचे तो कोई घाट के नीचे, कोई नहर के नीचे, कोई और अपने दरवाजे पर, सारे आदमी अर्घ देने पहुंच चुके थे। शाम का समय था और शाम के समय में सारा पूजा अर्चना में लीन। तभी सारे लोग को देखते हुए हमने कोवरेज शुरू किया और यहाँ पर हमने देखा कि सारे श्रद्धालु कितने श्रद्धा के साथ छठी मैया का पूजा करते हैं। जब पूजा करने के समय हम वहाँ पहुँचे तो सारे श्रद्धालु अपने अपने घाट पे सूप में सारा सामग्री लिए हुए अपने याचना में लीन मिले। आपको ये भी बता दें कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत में छठ का पर्व आज धूमधाम से मनाया गया। उसमें आज हम बनमनखी अंतर्गत बनमनखी के पंचायत खड़ा चकला भुनाई और भरगमा के कई क्षेत्रों में दौरा किया। ये देखते हैं ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, आज जो महापर्व है ये छठ मैया का पर्व कहा जाता है, बोले तो मान्यताओं का पर्व है। जो आदमी जो चीज का कामना करता है वो पूरा हो जाता है। ये पर्व पूरे भारत में मनाया जाता है। अगर देखा जाए तो लगभग 30 से 40 साल पहले बिहारवासी इसको जम के मनाया करते थे। अब तो एक बिहारी सौ भारी, पूरे भारत में बिहार के वासी रहते हैं और हर जगह वही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। आज हम मोहनिया वार्ड नंबर 3 नहर पे खड़े हैं और यहाँ के जो इस बार के जो मुखिया बने हैं, इस ग्राम का जो कहा जाए देख रेख करने वाला प्रधान बना है, उस प्रधान से भी बात करेंगे कि आज इस छठ पर्व के उपलक्ष्य पे जनता जनार्दन को क्या कहते हैं और उनको कैसा लगता है। आइए मैं मुखिया पति अनिल यादव से बात करते हैं। जी मुखिया जी, ये बताइए आज कैसे इस नहर पे भीड़ भड़क्का लगा हुआ है? छठ पर्व है आज जी, भारत का मुख्य त्यौहार हुआ ही, इसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ ठहरा है और जनता जनार्दन से मिलन जुलन भी हो रहा है। क्या उपदेश, क्या जनता जनार्दन को क्या कहना चाहेंगे? छठ पर्व है, इसका मन्नत जो मांगता है पूरा होता है छठ का जी। पूरा भारत में मनाया जाता है छठ, इसलिए जिसको जो मन में रहता है वो पूरा होता है। और आप पूरे धारा चकला बुनाई के जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? सबको छठ पर्व का बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं, शांति पूर्वक अपना छठ मनावे जी। मुखिया जी अपना परिचय दीजिए। अनिल यादव जी, धन्यवाद मुखिया जी। आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है और कितने लोग अपने पूरे सामग्री के साथ नहर के और घाट के तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आप पूरा पटाखा का आवाज देख सकते हैं। ये जो पर्व है, इस पर्व को बड़ी धूमधाम से बिहारवासी मनाते हैं और कहा जाए तो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर पोखर, हर नहर पे आपको घाट मिलेगा। पर अगर बोला जाए तो भूतहा पोखर था, इस पोखर को एक ऐसा रूप दिया गया है जहाँ पे छठ का पूजा बड़ी धूमधाम से इस बार मनाया जाता है। आइए कुछ लोगों से हम जानते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और कैसा मन में विचार हो रहा है कि यहाँ पे कैसा था अब कैसा हो रहा है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार। अच्छा, ये बताबा तोरा घर कहाँ छो? हमर घर मखना बस बगले में छे। बगले में? अच्छा, ये पोखर के तू जाने छो कि नहीं? पोखर के बहना केना रहे? बहुत जंगल रहे, लहा सब यहाँ गैर के चल जा रहे, अकाला शाम पड़े रहे तो लोग सब नहीं आ सके रहे, है ना बात। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लगे छे, रातों का आबे छे तो कोई दिक्कत नहीं है छे, भूत उत कहीं कुछ नहीं छे। तकर बाद 2 साल से यहाँ छठ, अगला साल भले छठ और इस बार भी भए रहा छे और बहुत अच्छा, अगला बार से ज्यादा भीड़ इस बार छे जी। धन्यवाद आपका। कहता के लोगिन के बात सुन के बड़ा गजब लगा था। वो कहे कि हाई पहले पोखरिया रहल भूथा, अब हो गए एकदम चौमुखी विकास के तरह, हई जे सरकार बा एकरे कारण हो कि हई पोखर में ई बेर छठ पूजा मनावल जाला। आई हम कुछ और आदमी से पूछा था नी, का नाम है हो? राजेश कुमार सर। अच्छा, ये बताब हई पोखरवा पे जो पूजा हो रहा बा कैसन लगा था? बहुत अच्छा लगल बा। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, एकरा से पहले का होता ही दिशा? पहले तो यहाँ कुछ नहीं हुआ था। पहले कुछ नहीं? कुछ नहीं।
बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तनी हम एगो बूढ़ा बाबा से पूछ लेते हैं, इधर आइए, गमछी लेके बाबा आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। का नाम है बाबा? हमार नाम है मक्खन शर्मा। मक्खन शर्मा जी, आई पोखरवा का कोई हिस्ट्री बताइएगा, पहले कैसा था? अरे पहले के बात छोड़िए, पहले तो वैसे रहते हैं, पटवा उठवा भैंस माल धोता रहता है, आप तो ऐसा बन गए कि भगवान भी रास्ता है। भगवान भी रास्ता है, बहुत बढ़िया बात बोली। बताइए आप कि यहाँ जो है जो चीज बना है, किसको श्रेय देना चाहेंगे? केकरा मतलब कि कहो कि बढ़िया काज कर लगे? अब केकरा कहो बढ़िया काज कर के, बढ़िया सरकार के फंड से न बोलने? हाँ, तब कहे के मतलब धन्यवाद के पात्र सरकारे न छे? सरकारे छे। बहुत बढ़िया लागले, बहुत बढ़िया लागले। आओ बताओ, लाठी लगाई ना बैठल छ, इधर आइए। बोले मटोर कथी कहे छ? क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा। अच्छा शर्मा जी, आपका एजुकेशन भी है। आप ये बताइए कि ये जो पोखर का जीर्ण उद्धार हुआ, इसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं? ये तो अभी मानना जाए तो अभी प्रेजेंट अभी पूर्व जो मुखिया थे मिथिलेश कुमार सिंह, धन्यवाद तो अभी उनको होना चाहिए। धन्यवाद के पात्र है वो। कार्यकर्ता जो थे मिथिलेश सिंह अभी कंचन कुमार सिंह, उसको भी धन्यवाद पात्र है जी, क्योंकि वो काम करवाया जी, जी, रह करके अपना योगदान दिया, बहुत धन्यवाद पात्र है वो, अति बहुत आवश्यक है, उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलना चाहिए जी। धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ है, तनिक कैमरा मैन से बोलेंगे इधर दिखाया जाए, पूरा पोखर का सीन दिखाया जाए कि कैसे पटाखा छूट रही है, और छठ माता का पूजा करते हुए सारे गृहिणी लोग आज पूजा कर रहे हैं, नहाए खाए के बाद आज ये पूजा का दिन है, वो आप सारा आदमी देख रहे हैं। एक बात और बता दें कि छठ का पूजा बहुत धूमधाम से खास करके गांव खेड़ा में होता है, लेकिन यहाँ का जो लोग हैं बहुत स्वभावी लोग हैं, और आपको यहाँ बता दें इतनी भीड़ है, शहर में बोले तो प्रशासन ठसा ठस रहता है, लेकिन है गांव खेड़ा है, यहाँ पे एको को पुलिस कर्मी नहीं दिख रहा है, अगर कोई बात हो जाए तो उसको संभालने वाला कोई नहीं मिले। कहाँ से आए हैं? बीरनगर बिसरिया से। बीरनगर बिसरिया से ये पार्क को देखने के लिए आए हैं जी। कैसा लगा आपको ये पार्क? बहुत सुंदर पार्क। ये धारा चकला बुनाई का ये मुखिया मिथिलेश सिंह का जो समय में बनाया गया था उसी का निशानी है, बोला जाए तो इस बार तो मुखिया कोई और है, लेकिन उसका ये देर रहा कि धारा चकला बुनाई में पार्क बना जी। ऐसा पार्क आपको कहीं नजदीक में मिला? पूर्णिया में देखे हैं वैसा पार्क, बाकी ये गांव खेड़ा में कहीं नहीं दिखा, ना कहीं नजर नहीं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब अंसारी जी। धन्यवाद आपका। धारा चकला बुनाई से MS परदेशी।